जीतने का शौक था पर उसने हरा दिया, और इस छोटी सी जिंदगी में उसने बहुत कुछ सिखा दिया, और मैं तो दोबारा उसको मैसेज करने लगा था पर उसके बाप ने डरा दिया। कहती है तू अपने दोस्तों के साथ कम कर दे, जिस दिन गुस्सा आ गया ना सब दूर करवा दूंगी। मैंने कहा फिर फोन करेगी कंपनी वाले भी बोलेंगे कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो आपके क्षेत्र और औकात दोनों से बाहर है, कृपया अगले जन्म में प्रयास करें। दिन खराब हैं इसलिए शांत बैठा हूँ। जिस दिन दिमाग खराब होगा दुश्मनों से लेके मतलबी दोस्तों तक सबका हिसाब होगा। Don't judge the book by its cover. In my bad time she left me, but now she want to be my lover. मैंने कहा अच्छे टाइम में तो पराये भी बनते हैं सगे, आपकी भी बारी आएगी मतरमा, कृपया लाइन में लगे। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. और अब क्या बताऊं क्या गुजरती है मेरे दिल पर, जब किसी और के हाथ तेरे बदन को छुआ करते हैं, और ये जमाना जालिमों से भरा हुआ है, ये लोग इतने अच्छे नहीं जितने ये दिखा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जमाना जालिमों से भरा हुआ है, ये लोग इतने अच्छे नहीं जितने ये दिखा करते हैं। खैर अब छोटी सी जिंदगी है, शौक नहीं गुरूर पालेंगे। ये छोटी सी जिंदगी है, शौक नहीं गुरूर पालेंगे। अरे बेटा हम अपनी पे आ गए ना, तुझे तेरे घर से ठालेंगे। तेरा बाप आया। सफलता के रास्ते बनते नहीं बनाने पड़ते हैं। और कहने से कुछ नहीं होता, कि कहने से कुछ नहीं होता, कारनामे करके दिखाने पड़ते हैं। कोरोना में सबसे ज्यादा सुखी पबजी और फ्री फायर खेलने वाले लोग हुए हैं। इनको पहले भी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, और अब तो और फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे कुत्तों से डरते होंगे वो कायर,
कि तुम जैसे कुत्तों से डरते होंगे वो कायर। हम तो घर में घुस के ठोकने वालों में से हैं, बिकॉज आई एम लवर ऑफ फ्री फायर। अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, भैया ये कहावत अब बदल रही है। जो जो संपर्क में आएंगे सारे के सारे लपेटे जाएंगे। सूचना जनहित में जारी। पलकों के किनारे हमने भिगोए नहीं, पलकों के किनारे हमने भिगोए नहीं, वो समझते रहे हम रोए नहीं। पलकों के किनारे हमने भिगोए नहीं, वो समझते रहे हम रोए नहीं। वो पूछते हैं तुम ख्वाबों में किसे याद करते हो, वो पूछते हैं तुम ख्वाबों में किसे याद करते हो, हम उन्हें कैसे बताएं कि हम बरसों से